वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर पोयम द लेजेंड ऑफ नॉर्थ लैंड के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फोर्थ क्वेश्चन तक कर लिया था एंड इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे स्टार्ट। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करते हैं। हमारा 5th क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द ओल्ड लेडी वुड हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वॉज। आपको क्या लगता है कि वो जो लेडी है, जो ओल्ड लेडी थी, उसने जैसा सेंट पीटर के साथ व्यवहार किया था उस टाइम, क्या वो ऐसा तब भी करती अगर वो जानती कि जो सेंट पीटर है वो कैसे हैं, मतलब वो असलियत में हैं क्या सेंट पीटर, बड़े धर्मात्मा हैं ये वगैरह, हमें बताना है इसमें। तो आप बताइए कि वो ऐसे होते, मतलब ऐसा बिहेव वो करती असलियत में। तो देखिए असलियत में वह ऐसा बिहेव बिल्कुल भी ना करती। क्यों? क्योंकि उसे पता होता कि वो कितने बड़े हैं, कितने अच्छे हैं और वो उसकी मन्नतें भी पूरी कर सकते हैं। तो और क्या करती उस उन्हें, बल्कि और प्लीज़ करने की, उन्हें संतोष प्रदान करने की और भी कोशिश करती। तो चलिए अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। सो हम क्या लिखेंगे, नो प्रोबेबली द ओल्ड लेडी वुड नॉट हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी न्यू हु सेंट पीटर रियली वॉज। इंस्टेड शी वुड हैव टू प्लीज हिम, शी वुड ट्राई टू प्लीज हिम विद हर केक्स फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हर डिज़ायर्स। तो चलिए अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं। नो probably the lady would not have been so ungenerous if she knew, ungenerous if she not have been so ungenerous if she knew that who sent Peter really was. चलिए next line में लिख देते हैं, was को Who Saint Peter really was. Instead, she would try to please him for the fulfillment fulfillment of his dreams. सो फ्रेंड्स, ये आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा 6th क्वेश्चन है, इज़ दिस अ ट्रू स्टोरी। क्या ये जो स्टोरी है ये सच है, सच में है ऐसी कोई घटना। विच पार्ट ऑफ दिस पोएम डू यू फील द इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो सबसे पहले इसका आप आंसर दीजिए, बहुत ईजी है। इसका आंसर है नो, ये जो स्टोरी है ये असलियत नहीं है, यानी ये सच में नहीं है ऐसा। क्यों क्यों नहीं है असलियत में? क्योंकि लोगों को वुडपेकर में चेंज नहीं किया जा सकता है। और इस पोएम का कौन सा पार्ट है जो तुम्हें ऐसा लगता है, यानी हमें कैसा लगता है, जो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसकी इम्पोर्टेंस है इस पोएम में,
सो किसकी, मेरे हिसाब से तो और आपके हिसाब से केवल वही होना चाहिए जो मैं सोच रही हूँ। क्या होना चाहिए कि जब वुड पैकर ने उसे चेंज किया गया, उस लिटिल लेडी को वुड पैकर में जब चेंज किया गया, तो वो जो पार्ट है जिस वजह से उसे पनिशमेंट दी गई है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमें चैरिटी और जनरसिटी की इंपॉर्टेंस बताती है। जनरसिटी का क्या मतलब होता है? जो हमें जनरस लिखा था, ये वाला जनरसिटी, ये जो है ना, ये जनरसिटी का मतलब होता है उदारता, किसी के लिए कुछ काम करना। और चैरिटी का भी मतलब वही होता है, किसी को दान देना या कुछ अच्छे से काम करना जिससे किसी और को हैप्पीनेस मिले। इन दोनों का वही मतलब है, हैप्पीनेस किसी और को मिले। ओके, तो चलिए थोड़ा अच्छे से ले देते हैं। हैप्पीनेस क्या मिले किसी और को? हैप्पीनेस, कंफर्ट मिले किसी और को, कुछ भी कह सकते हैं, नहीं दूसरे के लिए कोई काम कर। चलिए मुआवजा लेना शुरू करते हैं। नो दिस इज नॉट अ ट्रू स्टोरी because people can not be changed into a woodpecker. नेक्स्ट क्या है? हमने पहले का आंसर ले दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट, वही पार्ट हमें बताना है, द पार्ट इन द पोयम वेयर the little lady, little woman is changed into a वुड पैकर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब आप बताइए क्यों? मैंने आपको अभी बताया था जो हैप्पीनेस वगैरह सब मैंने लिखा था, बिकॉज इट teaches us the importance of generosity and what charity. So ये आंसर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपने बाकी के दो क्वेश्चंस करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है जो कि लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वो ये है व्हाट इज अ लेजेंड। लेजेंड क्या होता है हमें, यानी लेजेंड का मतलब बताना है, क्योंकि इस पोएम का क्या नाम है, द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। इसमें लेजेंड क्यों लगा है? Why is the poem called a legend? और इस पोएम को लेजेंड क्यों कहा जाता है? देखिए, पहले लेजेंड का क्या मतलब होता है, एक स्टोरी के साथ कुछ ना कुछ मोरल होता है। और इसका क्या मतलब होता है कि बच्चों को इसे सुनाया जाए, इस पोएम को, या किसी और भी जो लेजेंड होते हैं पोएम, उन्हें सुनाया जाए बच्चों को।
ऐसे लेजेंड इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें मोरल होता है। तो ये जो मोरल है ये हमें, ये जो पोयम है लेजेंड से इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें जनरसिटी, उदारता के जो उपदेश है वो देती है, यानी उपदेश देती है कि हमें उदार रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए अपने फेलो बींग्स में, यानी जो अपने आस पास सराउंडिंग में लोग हैं, अपना हमारे दोस्त हैं, सोसाइटी के लोग हैं, पेरेंट्स वगैरह जो भी सब लोग हैं उनके साथ उदार रहना चाहिए। सो लेजेंड का क्या मतलब है? लेजेंड इज ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, ये एक ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी होती है, यूजली विद अ मोरल, कोई ना कोई इसमें एक मोरल ज़रूर होता है। हेयर इट इज़ मीन टू बी नरेटेड टू द चिल्ड्रन, जो ये बच्चों, यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि बच्चों को सुनाई जाए कहानियाँ, लेजेंड जो भी है। सो चलिए आंसर लिखना शुरू करते हैं। चलिए वो थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, तो बहुत नीचे हो जाएगा। Legend is a old traditional story, usually with a moral, here it is mean, here it is mean to be narrated to the children, देखिए ये हमें लेजेंड का मतलब पता चल गया। अब हमें बताना है स्टोरी को, ये जो पोयम है इसे लेजेंड क्यों कहा गया। लेजेंड, लेजेंड का मतलब कोई मोरल हो, और स्टोरी में भी एक मोरल है कि हमें जेनरस और चैरिटी फैलानी चाहिए, जेनरस रहना चाहिए अपने फेलो बींग्स के साथ। चलिए वही लिखते हैं। This poem is called a legend because it tells, it preaches, देखिए थोड़ा अच्छा सा वर्ड लिखिए यहाँ पर, it preaches यानी वही उपदेश देती है, it preaches us the importance, वही पहले वाले क्वेश्चन जैसा, importance of generosity and charity वही इनका क्या मतलब है, दूसरों को खुशी देना। चलिए ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। अब हमारा एट्थ क्वेश्चन है, वो एक टाइप से हमें इस चैप्टर की जो सॉरी पोयम है इसकी समरी लिखनी है, तो चलिए उसे लिखना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा एट्थ क्वेश्चन है, राइट द स्टोरी ऑफ अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड इन अबाउट 10 सेंटेंसेस। जो नॉर्थ लैंड, ये जो पोयम है, मतलब हमें इस पोयम की जो 10 लाइनों में, 10 सेंटेंसेस में हमें इसकी पूरी समरी बता देनी है, स्टोरी इसकी हमें बतानी है। तो चलिए इसे लिखना शुरू करते हैं। हम वैसे ही शॉर्ट में लिखेंगे सब कुछ। एक बार सेंट पीटर एक लेडी के कॉटेज से स्टॉप हो गए, उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक ओल्ड लेडी है, और वो लेडी क्या कर रही थी, वो हर्थ पे, जो हर्थ, जो वर्ड था हर्थ, मैंने बताया था चूल्हा जिसे कहा जाता है,
हर्थ पे जो केक बना रही थी, हर्थ पे वो क्या कर रही थी, केक बना रही थी। देखिए इसको समरी टाइप में बनाते हैं पहले। चलिए, सेंट पीटर स्टोन्ड बाय ओल्ड लेडीज कॉटेज। इससे आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगी पोएम, और आप इससे अच्छे अपने वर्ड्स में इसमें इसकी बिल्कुल शब्द समझ बना पाओगे। उसके बाद क्या हुआ, शी वॉज बेकिंग केक्स, केक बना रही थी वो, सेंट पीटर पीटर आस्क द लेडी फॉर केक, है ना, शी मेक वेरी स्मॉल केक, फिर उसके बाद क्या हुआ, शी डिड नॉट गिव एनी केक, फिर क्या हुआ, सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, ही एंग्री एंड कर्ज हिम, कर्ज हर, उन्होंने कर्ज दे दिया। कर्ज का क्या मतलब होता है, श्राप दे देना। चलिए अब इसे ही अपने थोड़े लॉन्ग से सेंटेंसेस में करके पूरा इसे डिफाइन कर देते हैं। चलिए अब लिखते हैं आंसर। वंस सेंट पीटर वाज स्टॉप्ड by the old lady's cottage he go into the house and here he saw that the old lady, old and small lady, that you old lady was here he saw that the old lady was baking cakes on hearth, जो hearth होता है ना, वो जो आपको भी बताया था मैंने, चूल्हा, जिसका मतलब क्या होता है, चूल्हा। इसमें एक चीज ऐड होगी, बस हार्ट लिख के एच और लगा देना आपको, और फिर क्या हुआ, ऑन द हार्ट सेंट पीटर आस्क्ड द lady to give him one cake from her store of
okay because he was very hungry days fasting. एक दिन की फास्टिंग की वजह से पूरा the lady ने बेक लिखे बेक 3 cakes in the succession यानी आगे बढ़ के उसने 3 केक और बनाए but she found each cake very big. Then she फिर उसने क्या किया then she baked a cake which was just like a very small wafer. Then maybe एक रीजन और लिखिए because of her greediness. Then Saint Peter थोड़ा नीचे कर देते ताकि आपको साफ साफ दिखे देन सेंट पीटर बिकम वेरी एंग्री एंड punishes and punished her by changing her in a woodpecker. चेंज हो गए इट वॉज जो ये है ये जो वुड पैकर है वो आज भी जो कंट्रीज में बच्चे रहते हैं बॉयज रहते हैं वो इन्हें देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे शी स्टिल लिव्स इन वुड्स एंड इज सीन बाय ऑल द रूरल स्कूल बॉयज शी Still, she still lives in
जो लेडी है वो अभी वुड में ही रहती है, वुड्स यानी ये जो ऐसा के जंगल वाला हो गया यानी जंगलों में रहती है, क्योंकि जब वुड्स लग जाते हैं ऐसा लग जाता है तो जंगल ट्री वगैरह की बात हो जाती है, वुड लकड़ी होती है और ये सारी ट्रीज वगैरह से रिलेटेड होती है, फॉरेस्ट लिव्स इन वुड्स, शी स्टिल लिव्स इन वुड्स एंड इज सीन बाय रूरल चिल्ड्रन, रूरल बॉयज, गांव के लड़कियां में उसे हम भी देखते हैं, देखती हैं हमें। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी इसकी पूरी पोया, पूरी समरी स्टाफ इस पोयम की। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी बड़ी है। सो अगर आपको हमारी वीडियो एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।